हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमाइटिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी आँखों में टीवी होता है। अगर हमारी आँखों में टीवी होता है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकें, घर पर ही थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी आँखों में टीवी है या फिर नहीं, और होने पर क्या हमें इसका कब अपनी आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सर्जरी से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई हमारी आँखों में टीवी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाँ। जैसे हमारी बॉडी के अदर पार्ट में टीवी होता है, वैसे ही हमारी आँखों में भी टीवी हो सकता है, और ये बहुत नॉर्मल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी को होता है, बट ये क्रॉनिक डिसीज है, जिसको होता है उन्हें बहुत प्रॉब्लम। टीवी नॉर्मली हमारी आँखों से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन या फिर लिवर से भी स्टार्ट हो सकता है और फिर हमारी आँखों में स्प्रेड हो सकता है। टीवी मोस्टली जो होता है वो, जैसे आपने किसी ऐसे पेशेंट के पास में आपने थोड़ा वक्त बिता लिया जिसको पहले से टीवी है और आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है, आप फास्टिंग पे है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो ऐसे में ये बहुत जल्दी एक दूसरे से फैल जाता है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट के पास हो जिसको टीवी है तो 90% आपको भी, आपकी भी आँखों में टीवी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप टीवी पेशेंट से उतना डिस्टेंस मेंटेन रखें और बहुत जल्दी मिलने ना जाए। अगर आप फिजिकली वीक हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप फास्टिंग पे हैं या फिर आपकी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो टीवी के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें हमारी जो मोस्टली होता है वो होता है, मेन जो होता है वो हमारी आँखों का विजन कम हो जाता है। इसमें धीरे धीरे वज़न कम होता है, 1 वीक 1 मंथ, बट इतना ज़्यादा वज़न कम हो जाता है कि कभी कभी पेशेंट को दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो देख नहीं पाते हैं, उन्हें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, विज़न बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है। इसके अलावा उनकी आँखों में काफ़ी बार देखा गया है कि उनकी आँखों में रेडनेस होती है। इसके अलावा आँखों में पेन होना, इचिंग होना, ये भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आँखों से पानी आ रहा है, आँखों में पेन हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो और आपको ऐसा फील हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। बिकॉज आपको, आप घर पर विदाउट यू नो प्रॉपर टेस्टिंग के नहीं पता लगा सकते हो ना कि आपको टीवी है आँखों का या फिर कोई अन्य डिजीज है। जब आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे तो फिर वो आपकी आँखों की पूरी डिटेल में एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें पहले वो आपकी स्नेडल चार्ट से विजुअल एक्यूटी लेंगे। इसके अलावा फिर आपको, आपको जो आई के अदर टेस्ट हैं प्रॉपर वो करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आई में अंदर कोई डिपॉजिट्स तो नहीं हो रहे हैं जो टीवी के हो सकते हैं। तो डिटेल आई एग्जामिनेशन से ही पता लगाया जा सकता है कि आपकी आंखों में टीवी है या नहीं। बट आपको आंखों के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन या फिर रेडनेस ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, आप तुरंत अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा आप जब भी मतलब किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हो, तो जैसे हमने पहले भी बताया कि आप, अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप फास्टिंग पे हो, तो मत मिलने जाओ। अगर जा रहे हो तो डिस्टेंस मेंटेन रखो। इसके अलावा रेगुलर हेल्दी डाइट लो, वर्कआउट करो, फिट रहो, जिससे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें आपको ना हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर आइज़। थैंक यू। बाय बाय।